हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली एक्सा। मैं जानती हूँ कि काफ़ी अर्से के बाद मैं वीडियो अपलोड करी, मैं ज़रा कुछ दिनों से बिजी थी इस वजह से वीडियो नहीं बना सकी। तो आज हम वीडियो बनाएंगे एमरजेंसी किट के बारे में। एमरजेंसी एक्चुअली एक बैग होता है जो हम कहीं भी जाने से पहले जल्दी जल्दी में उसे पिक करते हैं, अपने बैग में रख कर चले जाते हैं। वो एक छोटा सा पाउच होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चले आएंगे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनब्लॉक। सनब्लॉक हमारे बैग में लाजमी होना चाहिए ताकि हम कहीं बाहर धूप में जाएं तो आपको पता है कि 12 या 24 घंटे के बाद हमें दोबारा सनब्लॉक लगाना पड़ जाता है। कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो हम सनब्लॉक अपने बैग में लाजमी रखें ताकि जब हम वेकेशन से वापस आएँ तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टैन ना हुई हो। तो उसके बाद नेक्स्ट बात ये आती है एक फाउंडेशन की। फाउंडेशन अगर आपके चेहरे पर ज़रा दाग धब्बे हैं तो वो अच्छी तरह से छुप जाते हैं। ये मिस्टर ओज की फाउंडेशन है, बहुत ही नेचुरल लुक आती है इससे, तो ये आप लोग ले सकते हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। इसकी जैसा आपने ना ड्रॉप्स लगाने हैं अपने फेस पर, उसे अच्छी तरह ब्लेंड करना है, तो ये थोड़ी सी बहुत अच्छी होती है आपके फेस के लिए, तो आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी से टोन आती है आपकी स्किन में। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक का हम एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर वीडियोज़ में इसके हैक देखे होंगे, इससे हम ब्लश ऑन लगाते हैं तो बहुत अच्छी नेचुरल सी लुक आ जाती है आपके फेस के ऊपर, बहुत जल्दी जल्दी आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। तो आप लिपस्टिक अपने बैग में लास्ट में रखें। नेक्स्ट बारी आती है एक पोनी की। पोनी अगर अक्सर हम जगह पे अपने बाल खुले छोड़ के जाते हैं तो रास्ते में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर खुले बाल इरीटेट करते हैं, तो पोनी का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद बारी आती है, उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है लिप बाम की। जैसे कि मौसम ड्राई हो रहा है तो हमारे बहुत जल्दी होंठ ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो अपने बैग में लिप बाम लाजमी रखें। इससे आपके ना सिर्फ होंठ ड्राई होने से बचेंगे, हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि जी पेन, अपने बैग में हमेशा एक पेन लाजमी रखें क्योंकि इसकी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद एक पैनाडोल अपने बैग में लाजमी रखें, इससे अगर आपके सर में दर्द हो रही है कहीं रास्ते में तो आपके सर की दर्द ख़त्म करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद बारी आती है कि अपने बैग में कुछ पिंस और सेफ्टी पिंस लाजमी रखें, इनकी कहीं भी आपको ज़रूरत आ सकती है, तो इसलिए सेफ्टी पिंस को लाजमी अपने बैग में रखा करें। और ब्लैक पिंस आपके बालों के लिए भी आपको इस्तेमाल की जा सकती है। इस बारी आती है सुई और धागे की। ये आपको अपने लाजमी बैग में रखनी चाहिए क्योंकि ये कहीं भी सफ़र में आपको इस्तेमाल आ सकती है, इससे आप कोई भी हिस्से को बाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आती है हैंड फ्री की बारी। हैंड फ्री हमने कोई वीडियो में सुननी है तो उससे बहुत ज़्यादा शोर हमारे कानों में नहीं आएगा। उसके बाद एक छोटा सा इस तरह के बैग रखें ताकि आप उसमें सारी पिंस, इयररिंग्स, ऐसी चीज़ें आप डाल के रख सकें ताकि आपके बैग में आपको ढूंढनी ना पड़े। जल्दी जल्दी से इस तरह छोटा सा पाउच निकाला और उसके अंदर हमने कोई भी पिन या सेफ्टी पिन या कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हम उसे जल्दी जल्दी निकाल लें। तो इस तरह आप इन चीज़ों को अपने इस तरह के छोटे से बैग में डाल के रख सकते हैं। इस तरह के एक दो बैग्स अपने पास रखा करें, किसी भी वक्त की ज़रूरत आ सकती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी लाजमी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले अपना सब्सक्राइब बटन पे अंगूठा लगाते जाएं और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।